हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। ये वीडियो सभी बॉलर्स के लिए है। आज हम बात करेंगे स्पॉट बॉलिंग के बारे में, जिसको हम सिंगल विकेट बॉलिंग बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कौन लगाए हुए हैं, कौन लगे हुए हैं। जैसे बैट्समैन खड़ा होता है, मैंने थ्री क्वार्टर लाइन पर कौन से लगाए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉट बॉलिंग ज़रूरी क्यों है, ये डालना ज़रूरी क्यों है। आप स्टार्ट करते हो क्रिकेट एज अ बॉलर, आपका टप्पा सेट नहीं होता है। आप एक बॉल आगे, एक बॉल पीछे, एक बॉल इधर, एक बॉल उधर डालते रहते हो, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये सही कैसे होगा आज मैं बताऊंगा, आपका भाई बताएगा सही कैसे होगा। आपको जैसे मैंने कौन लगाए हुए हैं, सेम आपको ऐसे कौन लगाने हैं। ये बैट्समैन का स्टांस होता है, जैसे मैं खड़ा हूँ ये स्टांस है, और ये फास्ट बॉलर की लाइन देख सकते हैं। पहले कौन देख लीजिए कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं। एक कौन मेरा हल्का सा लेग स्टंप है, एक कौन मेरा पाँचवें स्टंप पे है, एक कौन मेरा पीछे है और एक कौन आगे है। पीछे आगे वाला क्यों है गाइस, ये कौन है शॉर्ट बॉल के लिए। इससे पीछे आपको बॉल नहीं डालना है। अगर इससे पीछे आपका बॉल हो गया तो वो शॉर्ट बॉल होगा, बैट्समैन इजी हिट करेगा। इससे आगे बॉल हो गया तो वो फुल टॉस बन सकता है, ड्राइव पे आ सकता है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ये दोनों आपको अवॉइड करनी है। ये आपका पहले स्टंप है, ये पाँचवें स्टंप है, आपको इसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा बॉल डालनी है। स्टार्टिंग में आप इसको हल्का सा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आपका लेवल जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चले जाएगा, आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने किया हुआ है। ये बहुत ज़रूरी ड्रिल है। यहाँ स्टार्टिंग में आप चार ओवर से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में चार ओवर डालें, सोचें पाँच छः सात आठ बॉल इसके अंदर डालें। स्टार्टिंग में आपका बहुत कम बॉल डलेगा इसके अंदर, धीरे धीरे आपका बॉल बढ़ता चले जाएगा, पर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है। 70-80% बॉल आपके इसके बीच में डालनी है। अगर आप लेफ्टी को डालना है तो ये कौन आप लेफ्टी के यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने राइटी के लिए रखे हैं तो आप लेफ्टी के लिए इधर रख सकते हैं, ऐसे ही शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि वीक में आपको लेफ्टी को भी डालना जरूरी है, एक दो वीक आप लेफ्टी को ट्राई करो फिर राइटी को ट्राई करो जब आप स्पॉट बॉलिंग कर रहे हो। और वीक में कितने दिन डाल सकते हैं आप, दो या तीन दिन स्पॉट बॉलिंग ज़रूर करें, एक दिन तो आपको करना ही करना है। और ये वाइट कॉन क्यों रखा है, ये आपकी आउटस्विंग के इसके पास से आपको आउटस्विंग बॉल डालनी है, वो कट के फिर बाहर जाएगा बैट्समैन के लिए। ये हमारी आउटस्विंग डालनी है तो आपको यहीं से डालनी है, जब आपका लेवल थोड़ा ऊपर जाता जाएगा कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये पांचवें स्टंप है, यहाँ से आपको हमेशा जो इन स्विंगर है वो इन स्विंग बॉल यहाँ से डालेंगे हमेशा, ये आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों कौन इसलिए हैं। और लास्ट में मैं आपको ये और करके लिए बताऊंगा। और स्पिनर को बॉल डालना है ना तो सिर्फ इसको आप आगे कर सकते हैं, इसको थोड़ा आगे करेंगे क्योंकि स्पिनर्स की लेंथ थोड़ा आगे होती है, ये कौन फिर आगे शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको ये और करके लिए बताता हूँ जो यॉर्कर के लिए बेस्ट ड्रिल है। मेरे भाई बहुत पूछ रहे थे कि क्या ड्रिल यॉर्कर के लिए अच्छा रहेगा, तो मैं आपको यॉर्कर के लिए एक ड्रिल बताता हूँ कौन के साथ ये कैसे आपको वो करनी है। तो गाइज अब बात करते हैं यॉर्कर आप कैसे डाल सकते हैं नेट्स में, आप कैसे ड्रिल करें यॉर्कर की। तो मैं आप देख सकते हैं मैंने कौन लगाए हुए हैं, ये कौन क्रीज में लगे हुए हैं जो पॉपिंग क्रीज होती है, और ये दो कौन स्टम्प है स्टम्प के पास है। आपको हमेशा टारगेट स्टम्प के ऊपर रखना है। आपने बहुत ज़्यादा वीडियो देखी होंगी जिसमें टारगेट रहता है कि यहाँ पे आपको शूज़ रखा हुआ मिलेगा, पर आपको ऐसे टारगेट नहीं रखना है। आपको ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि वो आपकी लेंथ बॉल डलती है और फिर सिक्स लगते हैं। आज के टाइम में यॉर्कर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा जैसे आईपीएल में रन पड़ रहे हैं तो यॉर्कर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको टारगेट हमेशा यहाँ पर रखना है, कोशिश आपको करनी है कि इससे आगे ही बॉल डालनी है। इससे आगे आप जितना ऊपर हिट करेंगे उतना ही आपके चांसेस है, वो लो फुल टॉस ही बनेगी, तो इतना इजी नहीं है मारना। आप बॉल उधर से डालोगे तो सीधा आप हिट करो स्टंप को, स्टंप को हिट करोगे जब जाके यहाँ पे लगेगी वो फुल टॉस ही बनेगी, तो चांसेस बहुत कम है हिट होने के। हो सकता है फुल टॉस भी ईजी होता है मारना, पर इतना ईजी नहीं होता जितना लास्ट ओवर में लेंथ बॉल होता है। धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे आप यहाँ पे हिट करोगे। ये बहुत अच्छी ड्रिल है, बहुत लोगों ने पूछा था कि ड्रिल क्या है, ये बेस्ट ड्रिल है, आप इसको करो आपकी 100% एक्यूरेसी आएगी। हिट करते रहो, ऊपर मारते रहो, वो धीरे धीरे आपकी पैरों में डलना स्टार्ट होगी। लो फुलटोस बहुत इफेक्टिव है, जैसे कि आप वीडियोस में देखा होगा, इतना आसान नहीं है लो फुलटोस को मारना। तो गाइस ये ड्रिल है, आप ये दोनों ड्रिल करें, लेंथ बॉल के लिए बताया मैंने आपको और यॉर्कर के लिए बनाया, आप दोनों ट्राई करें, बहुत अच्छी ड्रिल है दोनों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें जो आपके भाई बॉलर्स हैं, स्पिन डालते हो या मीडियम पेस डालते हो, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, बहुत मोटिवेशन मिलता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सेम अकाउंट है क्रिकेट विद विशाल। चैनल नया सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।